तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से मुलुंड स्टेशन में, और मैं ये कैमरे का ऑडियो चेक करना चाहता हूँ कि इसका ऑडियो कैसा आता है कैसा नहीं आता है। इसके लिए ये कैमरा मैं बाहर निकाला हूँ, और पहली बार इसमें मैंने माइक कनेक्ट किया है, सो होपफुली इसका माइक अच्छा रहना चाहिए। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये बाहर ऐसे क्या बोलते हैं रास्ते में कैसा चलता है। तो ये माइक है रोड वायरलेस मी, और ये जो कैमरा है उसका नाम है Insta360X3। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़े ग्लेयर्स आ रहे रहेंगे, वो इसके लिए आ रहे क्योंकि मैंने प्रोटेक्टर लगाया और प्रोटेक्टर के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए। तो मैं सोच रहा हूँ वो प्रोटेक्टर निकालने का, लेकिन वो निकालना मुश्किल है, और देखते हैं कैसे निकलेगा कब निकलेगा, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ट्राई करते। मैं टिकट निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ मुलुंड, यहाँ से मुलुंड। दादा मुलुंड से टिकट देना, रिटर्न दिया। सोने का थोड़ा आपको आगे हो जाएगा, सोने का आराम नहीं मिलेगा, थोड़ा 12 तो बजेगा। काय का 12 साहब, रात के 2-3 बजे तक चलते हैं। मुलुंड का टिकट लिया है, अभी देखते हैं फास्ट ट्रेन मिलती है या स्लो ट्रेन, और ये ऑडियो भी चेक करना है अपने को। तो चलो जाते। एक ट्रेन लगी है इधर जो एक्चुअली जाने वाली है भांडुप, लेकिन अपने को जाना है मुलुंड, तो अपने को शायद से स्लो ट्रेन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्लो ट्रेन से ही हम समझ पाएंगे और मुलुंड पहुंच पाएंगे। तो ये सीढ़ी चढ़ना अच्छा लग रहा है, ये लेंस के ऊपर का जो बहुत ही अजीब लग रहा है, क्या बोलते हैं लेंस के ऊपर जो फ्लेयर्स आ रही है वो सब बहुत अजीब लग रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई है, और ये जो आगे का कवर है ये देखिए कितना अजीब सा लग रहा है। इसको मैं पिछले 10-15 मिनट से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक वो खुला नहीं है। मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ इसको खोलने की, बट डर भी लग रहा है कि भाई मैं कहीं कैमरा ही ना तोड़ दूँ। और मेरी जो ट्रेन थी वो भी अभी तक आई नहीं है। क्या मेरा ही तोड़ दिया क्या मैंने? क्या मेरा वैसा ही है, बट इसके ऊपर से जो स्टिकी वाला टेप है ये निकल रहा है, ये शायद से एक्स्ट्रा मिलती है, मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत मुश्किल से निकला ही है, बट ये इसके लिए भी रहता है ताकि अपन इस कैमरा को ठोक ना दे कहीं पे। ये निकालते निकालते अपनी ट्रेन भी आ गई है सामने, तो अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं। ट्रेन अपनी आ गई है, ट्रेन के अंदर घुसते देखते क्या सीन है। मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने जो वो वाटी निकाली है वो कैसी दिखती है। कैसे हो? लाइफ स्टाइल हूँ। तो अभी ये जो वाटी है कुछ ऐसी दिखती है, देखो। तो अभी अपन ने वो कवर निकाल दिया है, जो कवर ये जो वाटी वाला कवर था वो निकाल दिया हूँ, बहुत मुश्किल से निकाला हूँ। अभी देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा मुश्किल तो था उस कवर को निकालना, लेकिन अपन ने कैसा तो अभी मेहनत करके उसको निकाल दिया है। अभी देखते हैं क्या सीन है, इसको वापस लगाने का क्या सीन है, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं आपको बताऊँगा। ये दो कवर्स हैं जो Insta360 के आगे लगते हैं, और इससे क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ा है, या फिर शायद मेरे हिसाब से तो क्वालिटी अच्छी हो गई रहेगी, बट श्योर नहीं हूँ, देखते हैं। एक और चीज़ जो मेरे को पता नहीं है, वो ये है कि कैमरा की ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि कैमरा की ऑडियो की क्वालिटी अगर बकवास आएगी तो फिर कुछ भी करने में देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो वो भी एक चीज़ चेक करनी है मेरे को। अभी मैं फ़िलहाल इसके जो पाउच है उसके अंदर वो रख रहा हूँ, क्योंकि वरना वो घूम जाएगा टूट जाएगा, श्योर नहीं हूँ वापस यूज़ करूँगा या नहीं, बट फिर भी श्योर होने के लिए, या बाद में अगर कभी लगा तो उसके लिए अपने को रखना पड़ेगा वो चीज़, तो देखते हैं।
अभी फिलहाल इस माइक का ऑडियो कैसे टेस्ट होगा वो सब पता नहीं, मैं तो एक्चुअली बैठा हूँ अभी दरवाजे के बाजू में, वहाँ पे थोड़ा आवाज़ है और बहुत सारी हवा है, बट देखते हैं इस क्या ये सिचुएशन में इंस्टा 360x3 और ये जो रोड का कॉम्बो है वो क्या काम करता है, और अगर करता है तो कितना अच्छे से करता है वो देखना है और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ। और फिलहाल तो वो जो कवर्स थे वो निकाल चुका हूँ मैं, और कवर्स निकालने के बाद होपफुली क्वालिटी कैमरा का जो है वो थोड़ा बेटर हो गया रहेगा, कोई ग्लेयर्स नहीं रहेंगे ऐसा लग रहा है, बट देखते हैं। ये जो माइक का सेट है वो पूरा ही कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि आप मेरे हाथ के नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे उस माइक की वायर भी आई हुई है और ये जो ब्लैक कलर का माइक है वो भी दिख रहा है, लेकिन ऑडियो अगर अच्छा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता हूँ 360 डिग्रीज़ के लिए। ये देखिए ट्रेन यहाँ से आपको दिख रही होगी, एक अच्छी सी ट्रेन आई है यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या सीन है इस ट्रेन का। और ये माइक का सेटअप करने के लिए मुझे ये 2000 रुपये या 3000 रुपये की केज अलग से ख़रीदनी पड़ी थी, और एक इंस्टा 360 का माइक अडाप्टर है वो भी मेरे को अलग से ख़रीदना पड़ा था, लेकिन शायद ये टोटली वर्थ इट है। लेकिन ये आज के इस व्लॉग के बाद या ये सब के बाद अपने को समझ में आएगा कि क्या ये एक्चुअली वर्थ है। 360 कैमरा तो एक्चुअली पावरफुल कैमरा है अगर उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाए तो। ये जो भी शूट हो रहा है वो पूरा HDR में शूट हो रहा है, आई डाउट कि HDR इस सिचुएशन के लिए सही है या फिर गलत है, बट अभी मैं तुरंत ही इसका मोड चेंज करके देखता हूँ कि फ्लैट में क्या इसमें ज़्यादा डिटेल्स रह जाती है या क्या होता है, एक बार चेक करते हैं। और अभी तो फिलहाल मैं खिड़की के इतने पास बैठा हूँ कि मेरे को लगता नहीं है कि माइक का आवाज़ एकदम अच्छे से आ पाएगा, बट अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाहर की आवाज़ भी बहुत है, हवा भी बहुत है, तो देखते हैं क्या सीन है। बाहर का एक्सपोजर भी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अभी पूरा मैनुअल पे हूँ मैं और लॉग में शूट कर रहा हूँ, तो होपफुली एक्सपोजर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा इसके वजह से। लेकिन अगर आप आसपास देख रहे हो तो फिर ये जो ट्रेन की लाइट्स है वो ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, मेरे को शायद से एक्सपोजर में थोड़ा और चेंजेस करना पड़ सकता है परफेक्ट करने के लिए, लेकिन ये जो HDR वाला है उससे ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है, और इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगा तो और बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैं वापस से HDR मोड पे शिफ्ट हो चुका हूँ, और जो माइक का सेटिंग्स था मेरे इंस्टा 360x3 के अंदर उसको मैंने -18 डेसिबल्स पे सेट कर दिया है, तो शायद से उसके वजह से आवाज़ थोड़ी बेटर आएगी और बाहर की आवाज़ मेरे को पोस्ट में कैंसिल करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी जो मेरे माइक का सेटिंग्स है वो एकदम ही सबसे कम है, मतलब जितना कम हो सकता है, एक 0 होता है, एक -10, -12 ऐसा कुछ तो है, और एक -18 है, तो मैंने इसको -18 पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि आसपास बहुत सारी आवाज़ आ रही है और मैं नहीं चाहता कि वो आवाज़ वीडियो में आए, मतलब आने तो वाली वो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना बेटर या अच्छा मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ उतना मुझे रिकॉर्ड करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल HDR चालू हो गया है, और HDR बेटर था या फिर लॉग प्रोफाइल जो थी वो बेटर थी ये तो एडिटिंग करने के टाइम ही मालूम पड़ेगा, और अगर आप लोग भी बताओगे तो और भी सही हो जाएगा। और ये लॉग में शूट हो रहा है और देखते हैं क्या सीन है इसमें। अभी पिक्चर प्रोफाइल को थोड़ा सा विविड करके देखते हैं कि क्या होता है, या फिर सब कुछ ऑटो में डाल के देखता हूँ कि क्या होता है। ये जो अभी पिक्चर प्रोफाइल में रिकॉर्ड हो रहा है वो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड में सब कुछ ऐसे ही दिख रहा है जैसे आपको अभी दिख रहा है, मेरे को भी पता नहीं क्या सीन है, बट जब ये मेरे और ये सब आसपास की चीज़ों को कवर करने के लिए होता है, मतलब कॉम्पेंसेट करता है, तो शायद बाहर की डिटेल्स थोड़ी कम हो रही है, मैं थोड़ा सैचुरेटेड लग रहा हूँ। अभी थोड़ा विविड में चेंज करके देखते, तो विविड में कुछ ऐसे दिख रहा है, मेरे शर्ट का कलर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट या सैचुरेटेड हो गया है, बट अच्छा है बाहर की डिटेल से कुछ ऐसी दिख रही है, और जब मैं अंदर बैठ के ये सब बातें कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है और आप सेटिंग्स कर सकते हैं तो आपको लॉग में शूट करना चाहिए। और ये देखिए ये सिचुएशन में जहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा ही लाइट आ रही है उस सिचुएशन में कुछ ऐसे दिखता है, और देखते हैं कि क्या सीन है। अभी थाना स्टेशन आ चुका है, और ये एक्सपोजर चेंजेस होते रहेंगे तभी ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं बार बार एक्सपोजर को मेरे को चेंज नहीं करना है, वो शायद से लॉग में भी हम कर सकते हैं ऑटो सेटिंग्स लॉग में। फ़िलहाल थाना स्टेशन आ गया है, तो अपने को थाने स्टेशन उतर के मुलुंड के लिए एक अलग से ट्रेन पकड़नी है, और वापस 360 में अपन स्विच हो जाते हैं।
अभी मैं फिलहाल ऑटो मोड पे चल रहा हूँ। ट्रेन में देखिए पब्लिक रुकी भी नहीं है और चढ़ना शुरू कर दिए, तो अभी फिलहाल हम उतरेंगे और जो लोगों को चढ़ना है वो लोग अंदर चढ़ जाएंगे। ये लोग उतरने भी नहीं दे रहे पब्लिक को, पहले खुद चढ़ रहे क्योंकि यहाँ सब लोग थके हुए हैं, बैठे हुए डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं मतलब थके हुए हैं, उनको बैठने को चाहिए। और थाने से इस समय में चढ़ना यानी कि 4-5-6 के बाद 7-8 रात तक चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए ये लोग ऐसा करते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम ट्राई करते हैं थोड़ा एस्केलेटर से ऊपर जाने का, क्योंकि अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, मज़ा आएगा। बट ये हर बार ऐसे माइक को हाथ में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो बट ऑडियो तो बेटर आने वाला है इसके बाद, और देखते हैं अभी क्या सीन है। अपने सामने कोई पब्लिक है जो हंस रही है, मैं आपको वो दिखा नहीं सक रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को देख रहे हो, और देखते हैं अभी क्या सीन है। एस्केलेटर देखिए, थाने पे कितनी गर्दी है, पब्लिक फुल फायर है, घर जाने के लिए रेडी है सब लोग। कुछ कुछ लोग देख रहे हैं व्लॉग में मेरे, मैं भी उनकी नज़रों में नहीं देख रहा हूँ, बट इधर बहुत ज़्यादा गर्दी है। ये तो एक्चुअली अभी गर्दी शुरू होना शुरू हो गई है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी गर्दी हो जाएगी कि पब्लिक फुल क्रेज़ी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रात को 8-9 बजे या 9:30-10 बजे निकलूँ, तभी मुझे थोड़ी कम गर्दी मिलेगी, वरना बहुत गर्दी होगी मेरे को घर जाने के लिए। और ये सिचुएशन में माइक कैसे काम कर रहा है वो भी अपने को देखना है, समझना है, तो देखते हैं। जो छूटने वाली है अभी, अगर हम भागते भागते उसको पकड़ लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना सीन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ, नॉर्मल गर्दी है, ये गर्दी एक्चुअली नॉर्मल है, जब पूरा पैक हो जाता है तो पूरा पैक हो जाता है। मुलन उतरने के बाद मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है बाबा। अभी हम लोग को एक सब्सक्राइबर मिल गया है ट्रेन में, हमारे दोस्त है जो पवई में रहते हैं, बहुत ही रईस एरिया है। 307 सब्सक्राइबर है अभी, 300 सब्सक्राइब करो। क्या बोल रहे, पकड़ो तुम, बोलो थोड़ा भाई के बारे में बोलो तुम। रुको रुको भाई, अपने भाई को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, बुचाए बहुत मेहनत करते हैं। क्या मेहनत कर रहा हूँ मैं, चुपचाप चल रहा हूँ। हमने भी सब्सक्राइब किया, आप भी करो। करो करो, तुम लोग अच्छा लग रहा तो करो, नहीं तो फिर मत करो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ तो करो। तो अभी हम मुलुंड उतर रहे, चलने को उतरने को जगह नहीं है, बहुत पब्लिक भर गई है, लेकिन हम लोग कैसे तो अभी उतर गए मुलुंड में। तो अभी हम जा रहे हैं, पब्लिक गाली दे रही है सब व्लॉगर्स लोग को, मैं व्लॉगिंग नहीं करता हूँ लेकिन गाली खा लिया हूँ तुम लोग के बदले, ठीक है। मैं शायद व्लॉगिंग चालू भी कर सकता हूँ क्योंकि व्लॉगिंग चालू करने में मेरे को लगता है कि इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस रोज करते रहना पड़ेगा, तभी पब्लिक कनेक्ट कर पाएगी और तभी पब्लिक हमारे साथ आएगी। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, रिक्शा पकड़ूँगा, रिक्शा अपने को फटाक से मिल गई है, अभी हम रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं। और अच्छा हो गया, फटाक से रिक्शा मिल गई अपने को, लेट्स सी क्या सीन है। आप पब्लिक को हाय बोलोगे क्या, मेरी पब्लिक को हाय बोलो, कुछ हाय पब्लिक, सब कैसे हो, ठीक हो ना, बस बस अच्छा ठीक है। तुम मेरे को बताओ, तुम चलाते रहो, कितने साल से रिक्शा चला रहे हो? मैं रिक्शा से अभी 2 साल से चला रहा हूँ। तो कैसा लगता है, मतलब क्या क्या रीज़न था, या पहले क्या करते थे तुम? मैं तो 4-व्हीलर भी चलाता हूँ, पहले 4-व्हीलर चलाता था, तो अभी ऑटो चलाता हूँ। एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ वीडियो कैसा है। पहले 4-व्हीलर चलाते थे, अभी आप ऑटो चलाते हो, तो कैसा लगता है ऑटो चलाने को, मतलब क्या लगता है? नहीं, ऑटो चलाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है ऑटो चलाने में, पैसेंजर की जो खुशी होती है वो खुशी मिलती है हमको, बाकी तो उनको टाइम पे पहुंचाना, टाइम पे लेके आना, ये बहुत अच्छी चीज़ है और उन लोग हम लोग कभी कभी अप्रिशिएट भी करते हैं।
ऑटो चलाना मतलब एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कैसा अगर अपन जॉब भी करते तो 30 दिन बाद सैलरी आती है, ऑटो चलाएगा तो कैसा अपना खुद का ही बिजनेस है, अपने को रोज़ सैलरी आती रहती है। हाँ ये तो सही बात है आपकी कि जो भी अपन मेहनत सुबह से लेकर शाम तक करेंगे तो अपना पैसा अपने पास आ जाता है, बाकी किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी के पास काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ऑटो होगा तो अपन खुद कर सकते हैं उसके ऊपर। बात तो सही है भाई, तो फिर मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो करो और किसी को दुख भी मत दो और रिलैक्स करते रहो लाइफ में। क्या तो ये व्लॉग वीडियो फ़िलहाल इधर ही ख़त्म कर डालते हैं।